अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें वॉक पे जाना पता है, जिम ज्वाइन करना पता है, बट ये सब करने के बाद में एग्जैक्टली खाना क्या है वो हमको पता नहीं, हमको ना किसी ने हमको सिखाया। लोग सुबह वॉक पे जाते हैं, एक घंटा वॉक करते हैं, जिम में ज़्यादा करके 1 जनवरी से 30 जनवरी तक लोग ज़्यादा जाते हैं, बाद में कोई जाता नहीं जिम में ऐसा, और जिम में जाने के बाद भी लोग बंद कर देते हैं ऑन द वे। सुबह जो वॉक पे जाते हैं, एक घंटा आदमी अगर एवरेज वॉक करता है जहाँ पे वो 80 से 90 कैलोरी बर्न कर लेता है, लेकिन ताकि उसको घर जाना है, रेडी होना है, अपने काम पे जाना है, तो जाते वो अपनी सबसे कप चाय पिएगा, वो फिर अपना नाश्ता करेगा। एक कप चाय एवरेज देखता हूँ जो घर में है वो 90 to 150 कैलोरी होता है। आपने वॉक करके 80 कैलोरी बर्न किया और जाके घर में 100 कैलोरी की चाय पी ली, तो नेट नेट आपने क्या किया, आपने 80 कैलोरी बर्न किया, 100 ऐड किया, नेट आपने 10 कैलोरी ऐड किया। अभी 10 कैलोरी बहुत कम लगता है आपको, लेकिन ये 10 कैलोरी मल्टीप्लाई करो 365 डेज से, इट कैन बी लॉट ऑफ कैलोरी विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, तो आदमी वजन बढ़ने वाला है। मैंने 32 साल गार्डन वॉक किया जाके, लेकिन हर बार ये सोचते इतना वॉक करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वजन घटता क्यों नहीं है, साला प्राण जाए पर मेरा वजन न जाए। एक दिन पता चला मेरे को कि ये मैं कैलोरी ऐड कर रहा हूँ, कैलोरी बर्न ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मेरे हिसाब, तो मेरी जो दशा है मुझे मालूम है सबकी वही दशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।